नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसरत टाइम्स लाइव। एक नज़र आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने फ्रीडम फाइटर शहीद ए आजम भगत सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह खान पर सेमिनार का आयोजन किया। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग की ओर से दिल्ली सचिवालय में फ्रीडम फाइटर शहीद ए आजम भगत सिंह और शहीद अशफाक उल्लाह खान पर सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन, कोंडली विधायक कुलदीप कुमार, त्रिलोकपुरी विधायक रोहित कुमार मेहरोलिया, सीलमपुर विधायक अब्दुल रहमान मौजूद रहे। इस सेमिनार में सभी अतिथियों ने अपने विचार रखे व अंत में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने सभी का धन्यवाद किया। मोहब्बतों की लगा दी है मैंने लत उसको, नाराज आएगी दुनिया की सल्तनत उसको। तरक्की की तरफ माइल है दुनिया, तरक्की की तरफ माइल है दुनिया, वतन उलझा हुआ हालात में है। तरक्की की तरफ माइल है दुनिया, वतन उलझा हुआ हालात में है। सियासत से जरा हटकर तो देखो कि भारत का भला किस बात में है। देखिए, अच्छे इंसान की और अच्छे शायर की पहचान होती है कि वो अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज़्यादा बात करता है। मैंने शकील बरेलवी को इसलिए बुलाया था कि वो अपनी कुछ शायरी सुनाए, लेकिन वो बड़ी खूबसूरती के साथ सब कुछ मेरे नाम करके चले गए। बहरहाल, एक बार उनकी मोहब्बतों के लिए थोड़ी जोरदार तालियां बजाइए। अपनी मिट्टी से मोहब्बत दीन है ईमान है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत दीन है ईमान है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत ही मेरी पहचान है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत ही मेरी पहचान है। मेरी आंखों ने नहीं देखा कभी हिजरत का ख्वाब, मेरी आंखों ने नहीं देखा कभी हिजरत का ख्वाब, जान से भी प्यारा मुझको मेरा हिंदुस्तान है। सुलगती धूप सितारों की छांव जैसी है, सुलगती धूप सितारों की छांव जैसी है, वतन की धूल भी मां की दुआओं जैसी है। सांसों से लोबान की खुशबू आती है, सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है। उर्दू से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। शहीद अशफाकुल्ला खान का नाम जब तक इस मुल्क की तारीख में रहेगा, तब तक हम लोग फख्र के साथ कहेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज हम सब लोग यहां मिलकर शहीद आजम भगत सिंह और शहीद आजम अशफाकुल्ला खान साहब की के उपलक्ष में यहां कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, शहीद आजम भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था, और जब हम आजादी की बात करते हैं तो उनके साथ साथ शहीद अशफाकुल्ला खान साहब ने भी 27 साल की उम्र में अपनी शहादत दी, और वो शहादत इसलिए दी कि ये मां भारती का जो दामन है ये आजाद हो पाए, ये तिरंगा जो आज हम लहराते हैं ये तिरंगा शान से लहर पाए, और इस आजादी के अंदर हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का पूर्ण रूप से योगदान था, तभी हम सब लोगों को ये आजादी मिली। और अभी हम सब लोगों ने आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं, 76 वर्ष में हमने प्रवेश किया है, और आज हम सबको जरूरत है कि हम सब लोग इन जाति धर्म की बेड़ियों से हटकर, जाति की बेड़ियों को तोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़े, और उस आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो शहीद आजम भगत सिंह
हमें दिखा के गए हैं। बाबा साहब अंबेडकर जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें वो आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया है और उस मार्ग पर चलते हुए हमें आगे बढ़ना है। उन सभी जाति धर्म की बेड़ियों को तोड़ते हुए, कुछ लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में नफरत पैदा हो, अराजकता पैदा हो, लोग आपस में लड़े, भाईचारा खत्म हो, लेकिन हम सब लोगों को उस भाईचारे को बनाए रखना है, इस देश की डेमोक्रेसी को, इस देश के लोकतंत्र को बनाए रखना है। भारत दुनिया का सबसे मजबूत संविधान भारत के पास है, जो हर धर्म को, हर जाति के लोगों को पूर्ण रूप से आजादी देता है। लेकिन आज भी अगर किसी को धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है तो यह बहुत दुख की बात है। अगर किसी का जाति का होने के नाते उसे इसलिए किसी घोड़े पर न बैठने दिया जाए कि वो जाति से दलित आता है, या किसी मटके से पानी न पीने दिया जाए, जो आपने भी देखा किस प्रकार से राजस्थान के जालौर में एक शिक्षक द्वारा एक बच्चे को इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने मास्टर जी के मटके को हाथ लगा दिया था, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के जो मतवाले थे, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे जहां हर जाति या धर्म के लोगों का सम्मान हो। राहत इंदौरी साहब ने एक शेर कहा है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहां सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है और सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, इस मिट्टी में सबका खून शामिल है, हमारा भी उतना योगदान है इस देश की आजादी में। इस देश की आजादी में मुसलमानों ने बराबर का साथ दिया, महिलाओं ने बराबर का साथ दिया, दलितों ने बराबर का साथ दिया, हर जाति और वर्ग के लोगों ने मिलकर आजादी की लड़ाई को लड़ा था। एक बार सभी लोग मुट्ठी तान कर मां भारती का जयघोष करेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब 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 का जो कार्यक्रम है वो समर्पित है हमारे शहीद आजम भगत सिंह और हमारे शहीद अशफाक उल्ला खान साहब को और तमाम उन शहीदों को कि जिनके वजह से आज हमें आजादी के आजाद देश का नागरिक होने का सौभाग्य प्राप्त है। 200 साल की गुलामी के बाद में हमें यह आजादी मिली थी। जश्न आजादी हम मनाते हैं, मनाना भी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये दिन होता है उन वीर शहीदों को याद करने का, उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने का कि जिन्होंने अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया, तमाम तरह की यातनाओं को उन्होंने सहा, अंग्रेजों द्वारा कितना प्रताड़ित किया जाता था, हमने पढ़ा है, सुना है कहानियों में कि उनको बर्फ की सिल्ली के ऊपर लिटाकर पीटा जाता था, आग में झोंक दिया जाता था, गोली मार दी जाती थी, फांसी पे लटका दिया जाता था, लेकिन उनकी जुबान पर एक ही नाम होता था कि हमें अपने देश को आजाद कराना है, अपने मुल्क को आजाद कराना है। और जब बात आती है आजादी के उन मतवालों की, तो मैं इस बात को बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा, हमें यह पता भी है कि इस देश को आजाद कराने के लिए हर जाति, हर मजहब, हर संप्रदाय के व्यक्ति ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर यह देश आजाद हुआ था। इसीलिए इस देश की मिट्टी पर, इस देश पर हर जाति, हर मजहब, हर वर्ग के व्यक्ति का बराबर का अधिकार है। ये हमें अपने जहन में बिठाकर रखना चाहिए कि यह नफरत बुरी है, ना पालो इसे, ये नफरत बुरी है, ना पालो इसे, दिलों में खलिश है, निकालो इसे, ना तेरा ना मेरा, ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है, बचा लो इसे, ये सबका वतन है, बचा लो इसे। देश को 75 साल आजाद हुए हो चुके हैं, हम शहीद भगत सिंह की और अशफाक उल्ला खान साहब की बात कर रहे थे। देश के उन वीरों ने जो अपनी कुर्बानियां देकर इस देश को आजाद कराया था, तो उनका मकसद क्या था और क्या उनकी सोच थी कि देश आजाद होगा तो किस तरह का भारत हमें मिलेगा, किस तरह की जिंदगी उस भारत में हम जिएंगे, हम खुली हवाओं में खुली सांस लेंगे, ना संप्रदायिकता होगी, ना हिंदू मुसलमान होगा, ना ऊंचा नीचा, ना छोटा बड़ा होगा, हम सब समान होंगे। लेकिन आज देश का माहौल कुछ दूसरी तरफ जाने लगा, लोगों को एक साथ मिलकर अपने अच्छे भारत के भविष्य के लिए सोचना है, एक खूबसूरत भारत बनाना है। आज उर्दू
लगातार मैं देख रहा हूं कि हर जगह से गायब सी होती जा रही है। उर्दू पर किसी का ध्यान नहीं है कि उर्दू एक ऐसी जबान है, इतने मिठास की जबान है, जिसके बगैर आप छोटी सी कहने में अपनी बहुत बड़ी बात कह जाते हैं, जिसका इस्तेमाल हर मंत्री हर एमएलए एक शेर कहने में करता है। तो मेरी सबसे गुजारिश है कि थोड़ा सा इस ओर भी ध्यान दें कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उर्दू को, उस उर्दू के लिए भी थोड़ा सा आगे काम करें। हर स्कूल में मुझे देखने को मिला कि बच्चे उर्दू का भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो हमें उस ओर भी सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए कि उर्दू को बराबर लेकर के चलें, क्योंकि ये एक मीठी और अच्छी जबान है। और जब भारत आजाद हुआ था तो मैं नहीं समझता कि इस देश का कोई नागरिक ऐसा था जो उर्दू पढ़ना, उर्दू बोलना और उर्दू लिखना नहीं जानता था। आज इस देश को कम होती जा रही है इस देश के अंदर उर्दू, तो हमें इस ओर भी ख्याल रखना है और इसको भी बराबर बढ़ावा देना है, ताकि ये एक मीठी जबान कहीं इसी तरह हमारे देश से गायब ना हो जाए। सरदार शहीद भगत सिंह जी के और अशफाक उल्ला खान साहब को खराज अकीदत मैं भी पेश करता हूं और दुआ करता हूं कि वो जहां भी हैं अल्लाह ताला उन्हें उनकी मगफरत करे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमाए। और जो वो हमारे लिए, मतलब जो उनकी सोच थी और जो उन्होंने आजादी के लिए, हमारे लिए, सबके लिए, हिंदुस्तान के लिए जो शहादत दी, आज वो हमें देख रहे होंगे, जरूर देख रहे होंगे नहीं। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज अगर आजादी के मतवालों का कोई सपना पूरा कर रहा है हिंदुस्तान में, तो मैं समझता हूं अरविंद केजरीवाल जी उनका सपना पूरा कर रहे हैं। आज दुनिया के अंदर आजादी की जरूरत क्या थी? यही तो जरूरत थी कि हम लोगों को सबको बराबरी का हक मिले। हम पे अंग्रेज राज कर रहे थे और आप जानते हो शहीद भगत सिंह को 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई। 23 साल की उम्र में क्यों दे दी गई? क्योंकि उनके जो ख्यालात थे उससे पूरी अंग्रेज फौज, और मैं समझता हूं वो घबरा गए थे। उन्हें पता था ये जो चिंगारी पंजाब से उठती है ये पूरे हिंदुस्तान में फैलेगी और इसे हम रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए वो घबरा गए थे। ख्यालात थे कि अपने हिंदुस्तान को आजाद कराऊंगा। अशफाक उल्ला खान साहब के क्या ख्यालात थे? कि अपने देश को आजाद कराएंगे। चंद्रशेखर आजाद के क्या ख्यालात थे? अपने देश को आजाद कराएंगे, गुलामी की जंजीरों से छुटकारा पाएंगे। और आज हमने आजादी पाई और अरविंद केजरीवाल जी उनके सपने को लेके आगे बढ़ रहे। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी और आप सब लोग मेक इंडिया नंबर वन करने के इरादे से आगे बढ़ रहे हैं। पहले माइनॉरिटी कमीशन तो होता था, लेकिन वो खाली ऑफिस में होता था, सिर्फ ऑफिस में होता था, वो ऑफिस के अंदर बैठ के वो काम करता था। आज जो माइनॉरिटी के हकूक हैं, चाहे वो माइनॉरिटी में, और मैं समझता हूँ माइनॉरिटी में इतने सारे लोग हैं, सिख भी हैं, मुसलमान भी हैं, जैनी भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, पारसी भी हैं, और भी मुझे लगता है काफी लंबी लिस्ट है। तो मैं समझता हूँ उनके जो हकूक हैं, जो हमारे संविधान देता है, जो हमारी सरकार देती है, लोगों को पता नहीं कि उनके क्या क्या हकूक हैं। आज उसको घर घर पहुंचाने का काम माइनॉरिटी कमीशन कर रही है, जगह जगह कैंप लगा के, हर विधानसभा में अपने कैंप ऑर्गेनाइज करके। मैं उसके लिए माइनॉरिटी कमीशन के सभी मेंबरान को, चेयरमैन साहब को, नैन्सी बार्लो जी को, सेक्रेटरी साहब को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और मैं समझता हूं जब तक आप जागरूक नहीं करेंगे, जब तक लोगों को पता नहीं होगा कि हमारे हकूक क्या है, हमें क्या क्या मिल सकता है या हमें क्या क्या सरकार से लेना है और हमारे हकूक क्या है, जब तक हम लोग मांग भी नहीं सकते और ले भी नहीं सकते। तो मैं समझता हूं कि जाकिर खान साहब ने जो माइनॉरिटी कमीशन के अंदर और इनकी टीम ने जो काम किया है वो एक ऐतिहासिक काम है, यादगार काम है। आपको हमेशा माइनॉरिटी कमीशन याद रखेगा। अरविंद केजरीवाल जी ने इतना शानदार माइनॉरिटी का चेयरमैन दिया, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी मुबारकबाद देता हूं और आप सब लोग मेंबर्स हैं, मैं आप सब लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं इनके साथ कंधे से कंधा मिला के इंशाल्लाह और माइनॉरिटी के लिए बेहतर काम करेंगे। जो ये हमारा फंक्शन है शहीद अशफाक उल्ला खान साहब पे और शहीद भगत सिंह जी पे, ये इसलिए प्रोग्राम हम रखते हैं कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का जो मुख्य कार्य है
वो सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको जनता तक पहुंचाना और जो दिल्ली सरकार योजनाएं चला रही है उनको हमारे मेंबरों के माध्यम से आप सभी के लोगों तक पहुंचाना, ये हमारा मुख्य काम होता है। इन तरीके के प्रोग्राम रखने का एक मकसद है कि हम सबका एक मकसद होता है कि जो हमारे देश की जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई और जो हम आजाद हिंदुस्तान के अंदर जो सांस ले रहे हैं वो किनकी बदौलत है, उन लोगों को हमें याद रखना चाहिए और उनको हमेशा दिल में रखना चाहिए क्योंकि इनकी ही वजह से हम आज आजाद हिंदुस्तान के अंदर सांस ले रहे हैं। अगर ऐसे दीवाने हिंदुस्तान में कुर्बानियां नहीं देते और एक एकता नहीं होती हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम एकता, तो मैं समझता हूं कि ये देश आजाद नहीं होता। जहां तक मेरे भाई अब्दुल रहमान साहब ने कहा कि उर्दू को जिंदा रहना है, उर्दू हिंदुस्तान की जबान है, हिंदुस्तान में पली बड़ी है, गंगा जमनी तहजीब की मिसाल है उर्दू, उर्दू को कोई दिल से नहीं मिटा सकता। उर्दू एक जान है हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान की पहचान है उर्दू, उस उर्दू को कोई खत्म नहीं कर सकता। आप दीवारों से मिटा सकते हैं, पन्नों से मिटा सकते हैं, मगर दिल से कभी इस उर्दू को नहीं मिटा सकते। आज देश की आजादी की बात करें, भाई कुलदीप साहब ने भी एक नारा लगाया जोरदार, इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब एक ऐसा नारा हिंदुस्तान की आजादी के अंदर रहा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर वो दीवाने, चाहे उसमें शहीद अशफाकुल्ला खां साहब हो, चाहे भगत सिंह हो, कोई भी आजादी का दीवाना हो, हंसते हंसते गाते गाते मुस्कुराते हुए इस नारे को आवाज लगाते थे, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये कोई और नारा नहीं था, ये उर्दू का ही नारा था। तो आप समझिए कि उर्दू का नारा के अंदर कितना जोर था कि जिसने एक आजादी ने अंग्रेजों के पांव खाड़ दिए हो, उस नारे को उर्दू को कैसे उर्दू के नारे को दिलों से निकाल सकते हैं। जब तक हिंदुस्तान की तारीख के अंदर हिंदुस्तान जिंदा है, इंकलाब नारे को आप मिटा नहीं सकते, इंकलाब जिंदाबाद को। जब इंकलाब जिंदाबाद के नारे को मिटा नहीं सकते तो मैं समझता हूं कि उर्दू को कैसे आप मिटा देंगे। अगर अपने लालों को जिंदा रखना है, उनकी जान को बचाना है, तो हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करना है। हिंदुस्तान का एक गुलदस्ता है, हमारी अपनी पहचान है, वो पहचान हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है, देश की आजादी के अंदर जिन्होंने कुर्बानियां दी उसकी पहचान है, सिखों की पहचान है, ये जैनियों की पहचान है, ये पारसियों की पहचान है, ये मुसलमानों की पहचान है, ये हिंदुओं की पहचान है, ये पहचान हमारे तिरंगे रंग के अंदर झुकी हुई है। अगर हम बात करें भगवा रंग के तो हमारे तिरंगे उसकी शान है ऊपर, अगर हम सिखों की बात करें तो चक्र में नीला रंग सिखों की आन है, अगर हम एकता और अखंडता की और हम भाईचारे की बात करें तो वो सफेद रंग है, अगर हम हिंदू मुस्लिमों की बात करें, अगर हम मुसलमानों की बात करें तो हरा रंग इस देश की एकता की पहचान है। ये सारी पहचान सारी हमारी एकता के तिरंगे के अंदर छुपी हुई है, तो इन रंगों को नफरत में कैसे घोल सकते हो जब तिरंगा लहराएगा। यही तो हमारी पहचान है, यही हमारी दिल्ली की पहचान है और दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन का कर्तव्य भी बनता है और सारे हमारे जो मेंबर्स हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि हम घर घर जाएं, अपने मोहल्ले पड़ोस में जाएं, कोई नफरत की आग को जलाना चाहे तो हम मोहब्बत के फूंक से उस नफरत की आग को बुझा दें और मोहब्बत की आग मोहब्बत को हम उसके घरों तक पहुंचाएं। और मैं एक गुजारिश भी करना चाहूंगा, ये दिल होता है, इस दिल के अंदर जगह होती है, इस दिल से कभी भी मोहब्बत की जगह को खाली मत होने देना। अगर मोहब्बत में कमी आएगी तो नफरत इस दिल के अंदर घुस जाएगी और मोहब्बत की कमी नहीं आएगी तो इस दिल के अंदर कभी भी नफरत आ ही नहीं सकती। तो हमेशा दिल्ली के अंदर मोहब्बत के चिराग जला के रखें। आपकी हिम्मत मुझे हौसला बढ़ाती है, तो मैं इस गुजारिश करूंगा कि इस हौसले को तोड़ने मत देना, इस मोहब्बत की जंजीरों को टूटने मत देना। यही हमारे कमीशन की पहचान। बहुत बहुत धन्यवाद।